आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप सभी को मैं भगवान भोले शंकर की एक शिवलिंग के दर्शन करवाने वाला हूं, जो कि अपने आप में अद्भुत है, चमत्कारिक शिवलिंग काफी। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं शीशनाग द्वार से अंदर की ओर, कुछ सीढ़ियों चढ़कर हम पहुंचेंगे उस शिवलिंग की ओर। तो आइए ऊपर। ये रहा हमारा शीशनाग द्वार, और इससे थोड़े ऊपर कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम चलेंगे। ये आप देख पा रही है सीढ़ियाँ प्राचीन समय से बनी हुई है, पर उसको मानव द्वारा मॉडिफाई किया गया, मतलब पहले से सब कुछ बना हुआ है पर उसको मॉडिफाई किया गया है। थोड़ा रास्ता खतरनाक भी है और चढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी आती है, बहुत छोटी जगह में से निकलना पड़ता है। हट्टा कट्टा इंसान इस जगह से आ रहा है, सीढ़ियों से चढ़ रहा है, तो काफ़ी मुश्किल है उसके लिए यहाँ से निकालना, क्योंकि बहुत जगह कम है यहाँ पर निकलने के लिए, तो बहुत मुश्किल से निकल पाएगा अगर वो निकलता भी है। तो ये शेरमुख है, और इनको नया इंसान इस जगह से आता है तो एक बार टकराता जरूर, जैसे हेमंत भी टकरा गया था, जिसका आप सभी को इंतजार था। तो फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और पीछे आप देख पा रहे हैं कितना भयंकर दृश्य है। फाइनली ये रही भगवान भोले शंकर की प्यारी श्री शिवलिंग, जो कि एक ऊंचे से पहाड़ पर बहुत ही छोटी जगह पर स्थापित है। और यहाँ जाने के लिए ये लोहे का बनाया गया है, नीचे कुछ भी नहीं, नीचे खाई है, और इतनी छोटी सी जगह पर भगवान भोले की शिवलिंग बनाई गई है। और ये भगवान भोलेनाथ की बहुत ही प्रिय बेलपत्र का ये वृक्ष है। ये हमारे भगवान शंकर जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, आज तक मैंने भगवान जो जो कुछ मांगा है भगवान ने वो सब मेरी जो इच्छा है पूरी करी है। आशा करता हूँ कि भगवान हमेशा मेरी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, और आप सभी की भी। इस जगह कैसी लगी आप वीडियो में जरूर बताएं हमें, और आप भी यहाँ घूमने जरूर।